तो हेलो फ्रेंड्स, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो इस टाइप की रील्स इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। तो आज मैं आपको इस रील का ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ, जो कि आप भी अपनी फ़ोटो लगाकर सेम इस टाइप की वीडियो बना सकते हो। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने आपके पास फाइल का लिंक भी दे दूँगा, ऑडियो का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और जो बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हो रही है उनका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर आप और कोई वीडियो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। तो आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना होगा। लिंक पर क्लिक करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, इस ओटी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओटी पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ कितनी रील्स बनी हैं। 4000+ रील्स बन गई हैं। तो बहुत सभी रील्स वायरल हो रही हैं, आप भी बनाकर अपलोड करते हो सकता है आपकी रील्स भी यहाँ पर शो होने लगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन होगा इसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा मैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप वीडियो देखकर बना सकते हो। तो आपको कमेंट बॉक्स में फाइल में लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करने से पहले आपके पास दो एप्लीकेशन होना चाहिए। पहला तो VN एप्लीकेशन होना चाहिए ये वाला, और सेकंड नंबर पे टेलीग्राम। ये दो एप्लीकेशन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको कमेंट पे फाइल का लिंक दिया, उस फाइल पर आप जब क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे। तो यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स ने ज्वाइन करके रखा हुआ है, आप भी ज्वाइन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा वेलिना रील्स फाइल बना कर रखी हुई है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। जब इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपके VN एप्लीकेशन में ओपन होगा। ओपन प्रोजेक्ट बता रहा है यहाँ पे, तो आपको ओपन प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। तो यहाँ पे ऑडियो लगा कर रखी हुई है मैंने, और इफेक्ट भी लगा कर रखा हुआ है। बस आपको अपनी फ़ोटो से ऐड करनी होगी तो आपकी रील्स बन जाएगी। तो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से आप अपनी फ़ोटो से ऐड करोगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस जगह पे आपको फ़ोटो सेट करनी होगी, तो आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर वाली फ़ोटो है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन पर जाकर आपको अपनी एक फ़ोटो सेट कर लेनी होगी जो आप फ़ोटो लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ से अपनी एक फ़ोटो सेट कर लेता हूँ, ऑल पे क्लिक करके फ़ोटो में चले जाता हूँ जिस फोल्डर में मेरी फ़ोटो है। तो मैं यहाँ से एक ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फिर आगे जाऊँगा, यहाँ पे जाने इस फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लगा रिप्लेस फ़ोटो, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर फोटोज़ वाले ऑप्शन पे जाकर ऑल पे क्लिक कर देना होगा आपको। तो मेरी फ़ोटो मेरे कैमरे वाले फोल्डर में, तो मैं वहाँ पर क्लिक करके अपनी ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आप भी अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करते जाना होगा, एक फ़ोटो पर क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ गया। इस तरह से फ़ोटो पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना, जिस फोल्डर में आपकी फ़ोटो है उस फोल्डर पर जाकर फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। इस तरह से मैं जल्दी जल्दी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूं, आपको पता ही चल गया होगा। ऑल पे क्लिक करके पिक्स कैमरे पे क्लिक करके आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेने की इस तरह से। तो आप जैसे यहां पे फ़ोटो से ऐड हो गई हैं, तो यहां पे 4-5 फ़ोटो रह गई हैं, यहां भी आप अपनी फ़ोटो से ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद फिर इस फ़ोटो पर क्लिक कर देना होगा। नीचे रिप्लेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फ़ोटोज़ पे जाकर अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लें जो भी लगाना चाहते हैं। तो मैंने ये फ़ोटो ऐड कर ली, इस तरह से आगे आगे चले जाएंगे तो फ़ोटो रिप्लेस करते रहेंगे जब तक कि हमारी फ़ोटोज़ सभी लग नहीं जाती। बस इस तरह से रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटोज़ रिप्लेस करते जाएँ, सेलेक्ट कर लें। तो अगर आप फ़ोटो को जूम करना चाहते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करते हैं, इस वीडियो को लास्ट में बता दूँगा आपको। अगर आप फ़ोटो क्रॉप करना चाहते हो, एडजस्ट करना चाहते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ से ये भी फ़ोटो सेलेक्ट कर ली मैं। आपको एक बार फ़ोटो पे क्लिक करके ना, फिर नीचे रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। बस और कुछ नहीं करना काम इसमें, मैंने प्रोजेक्ट बनाकर आपको दे दिया है जिससे कि आपको रील बनाने में आसानी हो। इस तरह से वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नहीं दबाया उसे जरूर दबा लें। तो आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ हमारी रील्स बन गई है। तो आप देख सकते हो सेम रील्स वैसे ही बनी है जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो इस रील्स को गैलरी में सेव करने के लिए आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा तो आपकी रील्स गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आपको जब आप फ़ोटो जूम करना चाहोगे तो आपको फ़ोटो पर क्लिक करके उसको जूम कर लेना, तो आपकी फ़ोटो जूम हो जाएगी और क्रॉप हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो अभी तक आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इन वीडियो को जरूर वॉच करें, ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है।